जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज श्रावण कृष्ण पंचमी है, बुधवार 28 जुलाई 2021 को। आज श्रीनाथ जी में हरे रंग का पिछोड़ा छज्जेदार पाक के ऊपर जमाव का अर्थात नागपड़ी के कथरे का श्रृंगार है। आज के श्रृंगार श्री ललिता जी के भाव से किया जाता है। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में हरे रंग की मलमल की सुनहरी जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। आज गादी तकिया के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई रहती है। आज की वस्त्र सेवा में श्री जी को सुनहरी पठानी जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित हरे रंग का मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। आज श्याम रंग के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। आज प्रभु श्री वल्लभाधीश श्री जी को छेड़ान का अर्थात छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण माणक के धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीमस्तक पर सुनहरी जरी की बाहर की खिड़की की छज्जेदार पाक धराई जाती है, जिसके ऊपर नागफणी जमाव का कतरा सुनहरी लूम एवं सुनहरी तुर्री सुशोभित की जाती है एवं प्रभु जी के श्रीमस्तक पर बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। अनुसर में श्रीमस्तक पर धराई गई पाक के ऊपर की सुनहरी खिड़की बड़ी करके धराई जाती है। ठाकुर जी के श्रीकर्ण में चार कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु जी को आज विभिन्न पुष्पों की रंग बिरंगी थाक वाली दो माला जी धराई जाती है। आज कमल माला भी धराई जाती है। ठाकुर जी के श्रीहस्त में कमल चढ़ी लाल मीना के वेणु जी और एक वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट हरा आता है तथा गोटी मीना की आती है। अन्य सब क्रम नित्य की भांति होते हैं। श्रावण विशेष में आज संध्या आरती के दर्शन में श्री मदन मोहन जी ढोल तिबारी में चांदी के हिंडोले में झूला झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र श्रृंगार श्रीनाथ जी के आज के वस्त्र श्रृंगार की भांति हरे रंग की प्रधानता लिए हुए होते हैं। साथ ही श्री बालकृष्ण लाल जी प्रभु भी झूले में गोदी में विराजमान होकर उनके साथ झूला झूलते हैं। आइए अब हम आज की राग सेवा के बारे में चर्चा करते हैं। आज के कीर्तनों में मंगला दर्शन के कीर्तन में गरज गरज रिम झिम का गायन होता है। श्रृंगार के दर्शन में देखो माई सुंदरता को बाग का गान होता है। राजभोग के दर्शन में जो कीर्तन गाया जाता है वो है हरियाली लिए हुए कीर्तन, सखी भी हरियारो सावन आयो। और आज के हिंडोलना के दर्शन में प्रभु के सम्मुख सोहत वन आयोरी हरियारो सावन, सो सावन आयो जो तुम हरे हरे झुलावो। मायरी झूलत रंग हिंडोरे शोभा की स्वर लहरियां बिखेरी जाती है और सारा माहौल आनंदमय होता है। शयन के कीर्तन में मनमोहन रंग बोरे झूलन आई का मधुर गायन होता है। आइए अब हम हिंडोलने के भावात्मक स्वरूप पर चर्चा करते हैं। हिंडोला में जो दो स्तंभ होते हैं वो श्री ललिता जी और विशाखा जी का स्वरूप होते हैं। लाल रंग उद्दीपन भाव सूचक है, अतः प्रथम दिवस लाल वस्त्र धराए जाते हैं। हिंडोलने का मरुआ जो है वो श्रुति रूपा जी के श्री हस्त के भुजदंड स्वरूप होते हैं। चारों डंडी श्री युगल स्वरूप के श्रीहस्त है। मध्य में जो सिंहासन है वो व्रज भक्तों के हृदय रूपी भाव से होता है। अनेकानेक झुमकाएँ हिंडोलने की व्रज भक्तों के आभरण आदि के भाव से होती है। हिंडोलने के फूंदना व्रज भक्तों की चोटी के भाव से होते हैं। हिंडोलने के जो वस्त्र होते हैं वो लहंगा साड़ी आदि के भाव से होते हैं। जो आसन हिंडोलने के नीचे बिछाए जाते हैं वो श्री यमुना जी के भाव से होते हैं। भक्तों के हृदय के जो नव पल्लवित अंकुरित भाव को पोषित करने तथा अनेकानेक मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ही प्रभु कृपा करके हिंडोलने में विराजमान हो झूला झूलते हैं और व्रज भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करते हैं।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।